अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, आई हैव रिटन दिस कंपाउंड, इट्स नेम इज अल्कोहल. आई एम राइटिंग हियर अगेन वन मोर कंपाउंड, इट्स नेम इज अल्केन. आई एम राइटिंग हियर अगेन वन मोर कंपाउंड, इट्स नेम इज अ, जो भी है. इन दोनों को देखते हैं. अल्कोहल में का एच निकाला और क्या लगाया, आर. एच निकाला, आर लगाया, क्या हुआ, आर. और बराबर अल्कोहल इसमें का भी क्या निकाला, एच, और क्या लगाया, ओ आर, ओ ऑक्सी, अल किल. तो इसका नाम है अल्कोक्सी. क्या नाम है, अल्कोक्सी. तो इसमें का एच निकाला और क्या लगाया, अल्कोक्सी लगाया, तो नाम हो गया. देखो एच निकाला, ओ आर लगाया, क्या बन गया, आर, ओ आर. इसी को हम कहते हैं ईथर. क्या कहते हैं, ईथर. तो व्हाट इज ईथर, वी डिराइव दिस ईथर फ्रॉम अल्कोहल, वी डिराइव दिस ईथर फ्रॉम अल्केन. हमने ईथर को डिराइव किया, कहां से डिराइव किया, अल्कोहल. कहां से डिराइव किया, अल्केन और अल्कोहल से हमने किसको डिराइव किया, ईथर को. और इसलिए हम कहेंगे इट इज द, लेकिन क्या लगा के, अल्किल. क्या लगा के, अल्किल. और इसीलिए इसको कहते हैं अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल. क्या कहते हैं, अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल. क्यों कहा अल्किल डेरिवेटिव, डू यू अंडरस्टैंड, क्योंकि अल्कोहल में का क्या निकाला, एच. क्या लगाया, अल्किल. और इसलिए नाम रखा अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल इज कॉल्ड ईथर. डू यू अंडरस्टैंड. और क्या निकाला, एच. क्या लगाया, अल्कोक्सी. तो क्या नाम रखा, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्किल कॉल्ड एज ईथर. अल्किल डेरिवेटिव, अल्किल डेरिवेटिव ऑफ, अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल. अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल जो है उस अल्कोहल में का क्या निकालो, एच. क्या लगाओ, आर. तो आपको क्या मिलेगा, आर ओ. दिस आर ओ आर इज कॉल्ड ईथर. क्या कहेंगे इसको, ईथर. ठीक है, अल्कोहल में का एच निकालो और क्या लगाओ, आर. तो आपको क्या मिलेगा, ईथर. दूसरा, दूसरी डेफिनेशन, ये अल्कोक्सी डेरिवेटिव. अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. तो अल्केन जो है उस अल्केन में का आप क्या निकालेंगे, H. और क्या लगाएंगे, OR. That is called alkoxy. So alkoxy derivative of alkane, ROR. Alkoxy derivative of alkane. So alkoxy derivative of alkane are called ether. Alkoxy derivative of alkanes are called ether. Alkyl derivative of alcohol are called अल्कोहल. Are you understanding? So this is ether. Now depending upon, तो समझिए ether किसको कहेंगे? Depending upon the alkyl group present into this, ethers are divided into two types. Right now, depending upon alkyl group
depending upon alkyl group present in ether. Present in ether. Depending upon alkyl group present in ether. Ethers are of how many types? Two types. Present in ether. Ethers are of how many types? Two types. तो इथर जो है वो टू टाइप के, कौन से टू टाइप? सिंपल इथर, पहला वाला कौन सा है? सिंपल इथर, और दूसरे वाले कौन से है? मिक्स्ड इथर. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इथर? टू टाइप. फर्स्ट इज अ सिंपल इथर एंड अनदर इज अ मिक्स्ड इथर. सिंपल इथर इज आल्सो कॉल्ड सिमेट्रिकल इथर. And mixed ether is also called unsymmetrical ether. अब simple ether मतलब symmetrical. Symmetrical मतलब जिसमें दोनों भी alkyl group ऐसे हैं same. ठीक है? तो symmetrical ether और simple ether, ठीक है? Are represented by R O R. When both the alkyl groups, when both the alkyl attached to oxygen are same. जब दोनों के दोनों भी alkyl group जो oxygen को लगे हैं वो कैसे रहेंगे? Same. When both the alkyl group attached to oxygen are same, called as which ether? Simple ether. एग्जाम्पल CH3 OCH3. आपको पता है CH3 का नाम क्या है? मिथिल. ध्यान में रखेंगे जिसको नहीं पता, CH3 का नाम क्या है? मिथिल. और दूसरे CH3 का भी नाम मिथिल, ये भी मिथिल, ये भी मिथिल. सो इट्स नेम इज डायमिथिल इथर. डायमिथिल इथर. और दूसरा वाला जो है वो कौन सा है? मिक्स. First is the simple ether and another is the mixed ether. तो simple ether को भी हमने देखा है, अभी कौन सा देखेंगे? Mix. Mixed ether को हम represent करते हैं R O R dash. कैसे represent करेंगे बेटा? R O R dash. R O R dash. R dash dash क्यों लगाई? मतलब वो different है. कैसा है? Different. Clear है? So R O R dash is the which ether? Mixed ether. ध्यान में रखेंगे R O R dash is the which ether? Mixed ether. So this is the mixed ether. कौन सा ether है ये? Mixed ether. Clear है सब? तो this R O R dash is the mixed ether. और इस mixed ether में, और it is also called which ether? Unsymmetrical ether. So this is mixed ether, or we can say it is the unsymmetrical ether. तो कब बोलेंगे? एग्जाम्पल में दे दूं? अब इस केस में आपको इसका नाम लिखते समय लिखना है अल्किल अल्किल इथर. मतलब दो जो अल्किल ग्रुप है उसमें से एक का नाम है इथिल और दूसरे का नाम है मिथिल. एक का नाम है इथिल, दूसरे का नाम है मिथिल. अब कौन एबीसीडी में अगर देखेंगे इथिल पहले आता है मिथिल बाद में आता है, तो किसका नाम पहले लिखेंगे? इथिल और बाद में मिथिल. आर यू अंडरस्टैंडिंग? पहले लिखेंगे इथिल फिर मिथिल, तो पूरा नाम हो गया इथिल मिथिल इथर. क्या नाम हो गया? इथिल मिथिल इथर. सो कीप इन योर माइंड इट्स नेम इज द इथिल मिथिल इथर. इथिल मिथिल हो गया. तो इन दिस वे वी हैव दिस इज द इथर एंड इट्स नेम इज द इथिल मिथिल इथर. दिस इज मिथिल एंड इट्स नेम इज द इथिल मिथिल इथर. And what is that ethyl methyl ether? When both the alkyl group, इसको लगे हुए जो alkyl group है वो अगर कैसे रहे? Different. Then it is called mixed ether. So when two different alkyl groups are attached to oxygen, and when two different alkyl group are attached to
ऑक्सीजन। जब दो डिफरेंट एथिल ग्रुप ऑक्सीजन को अटैच्ड होंगे तो हम उसको कौन सा इथर कहेंगे? मिक्स इथर। इधर जो है, इधर में बीच में कौन है? ये ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है? दो लोन पे, और यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप लगे रहेंगे, वो सेम रहो या डिफरेंट रहो। तो यहाँ पे दो लोन पेयर होने की वजह से, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर, इसकी हाइब्रिडाइज स्टेट रहती है sp3। क्योंकि दो बॉन्ड और दो लोन पेयर, टोटल कितने हो गए? चार। चार तो क्या हो गई? sp3। और इसकी ऐसा क्या रहता है? वी रहता है, उल्टा वी। और इसने इसकी ज्योमेट्री को हम कौन सी ज्योमेट्री कहते हैं? वी शेप। और इट इज आल्सो कॉल्ड बेंट ज्योमेट्री। बेंट, बेंट है ना ये, ऐसा बेंट ज्योमेट्री। और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 110 डिग्री रहता है, 110। क्योंकि अल्किल ग्रुप के जो बीच में रिपल्शन यहाँ पे बढ़ जाता है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से आप देखेंगे वाटर में, तो वाटर में भी ऐसा ही है, लेकिन वाटर में बॉन्ड एंगल 104 degrees 35 minutes, लेकिन यहाँ पे 4-5 डिग्री से लगभग बॉन्ड एंगल बढ़ गया, क्योंकि वाटर में यहाँ पे दो नन्हे नन्हे कौन है? हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे उसकी जगह ये, यह अगर यहाँ पे मिथिल आ गया तो एक हाइड्रोजन की जगह कितने एटम आ गए? चार, एक कार्बन और तीन हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक कार्बन और थ्री हाइड्रोजन, और इनके आने की वजह से इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गया, और इनके बीच में रिपल्शन बढ़ने की वजह से क्या हो गया? ये बॉन्ड एंगल भी बढ़ गया। So why that bond angle increases, do you understand? So ध्यान में रखेंगे, in this way that bond angle increases and this is what? 110 degree Celsius. Structure of ether में 5 point रखेंगे. In ether, oxygen is sp3 hybridized. लिखा है already हमने, सिर्फ आप sentence में लिखेंगे उधर. sp3 hybridized. It has V geometry, V shape or bend. Its bond angle is 110 degree. Its bond angle increases due to more repulsion in between alkyl groups. Give the next reading. Nomenclature of ether. Nomenclature of ether. अब ether का nomenclature हम पढ़ेंगे. There are the two systems of nomenclature, common system and IUPAC. तो पहले हम common name पढ़ेंगे, और common name में भी कौन से name पढ़ेंगे बच्चों? कॉमन नेम में भी सिंपल इथर। सिंपल इथर का जो कॉमन नेम होता है हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ओ आर से, एंड इट्स कॉमन नेम इज रिटन एज डाई अल्किल इथर। कॉमन नेम इज रिटन एज डाई अल्किल इथर। दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये है, क्या नाम है इसका? इथिल। और इधर भी कौन लगा है? इथिल। तो दोनों कॉल करें पुनः ठीक है। सो दोनों भी कौन है बच्चों? इथिल इथिल। तो नाम क्या रखेंगे? डाई इथिल इथर। क्या नाम रखेंगे? डाई इथिल इथर, ठीक है। सो क्या नाम रहेंगे? डाई इथिल इथर। इथर कॉमन नेम ऑफ मिक्स्ड इथर। कॉमन नेम ऑफ मिक्स्ड इथर इज रिटन एज, बोलो, मिक्स्ड इथर का कॉमन नेम अल्किल अल्किल इथर। अल्किल अल्किल इथर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है मिथिल, और यहाँ पे मेरे पास है प्रोपिल। दिस इज द एन प्रोपिल। कौन सा प्रोपिल? एन प्रोपिल। दिस इज एन प्रोपिल एंड दिस इज मिथिल। सो इट्स नेम इज मिथिल का यम और प्रोपिल का पी। कौन आएगा पहले? एम। तो इसलिए मिथिल एन प्रोपिल इथर, इज इट? तो नाम रहेगा मिथिल एन प्रोपिल इथर। ये हो गया उसका कौन से नेम? कॉमन नेम, क्लियर है। अब हम लिखेंगे उसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने। आईयूपीएसी नेम, यहाँ पे इधर में दो अल्किल ग्रुप अगर सेम है या डिफरेंट है, चलो हो गया, ये लिख लिया सबने। अभी हम लिखेंगे आईयूपीएसी नेम। पहले मैं सब कॉन्सेप्ट लिखा के देता हूं, फिर हम उसके एग्जांपल्स लेंगे। आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम हम कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम?
तो इथर जो होता है, इथर में एक अल्किल ग्रुप स्मॉल है और एक अल्किल ग्रुप लार्ज। जो लार्ज है उसको बोलना पैरेंट अल्केन। क्या बोलना? पैरेंट अल्केन। जब दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट है तो जनरली कौन बड़ा होता है? पप्पा की बच्चा है। ठीक है, सो इसलिए जो बड़ा अल्किल ग्रुप है वो कौन है? पैरेंट अल्केन। और जो छोटा है उसको बनाना अल्कोक्सी। ये आर को बनाना अल्केन और ओ आर जो छोटा है उसको बनाना अल्कोक्सी। अल्कोक्सी क्लियर है? और जब दोनों सेम है, ठीक है, बोथ आर सेम, तो दोनों में से किसी को भी अल्कोक्सी में किसी को भी अल्के, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, पप्पा बच्चा दोनों भी साइड सेम हाइट, बड़ा हो गया बच्चा। ठीक है, तो डोंट वरी। क्लियर है सब? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो लिसन व्हाट वी हैव, तो दिस इज द अल्किल ग्रुप, दिस इज ओ एंड दिस इज ओ आर डैश एंड दिस इज द व्हाट लार्ज अल्किल ग्रुप, दिस इज द स्मॉल अल्किल ग्रुप, दिस इज अल्कोक्सी, बोथ आर सेम, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड। अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, सारी बातें हम देखेंगे। हाँ, IUPAC नेम लिखते समय आपको इसका IUPAC नेम लिखना है अल्कोक्सी अल्केन। अल्कोक्सी अल्केन। अब कैसा अल्कोक्सी, इसको भी एक सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। अल्कोक्सी इसको भी एक क्या कंसीडर करना है? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अल्कोक्सी को भी एक सब्स्टिट्यूएंट जैसा कंसीडर करना है, अल्कोक्सी को भी। ठीक है, अल्कोक्सी अल्केन इट विल बी इट्स विच नेम IUPAC नेम। कैसा करेंगे, क्या करेंगे, वही अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पैरेंट अल्केन। तो अल्कोक्सी विल बी अगेन इट्स वन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, ध्यान में रखेंगे। अल्कोक्सी विल बी सब्स्टिट्यूएंट। सो हाउ टू राइट द नेम, आई राइट हियर सम इथर्स एंड वी राइट देयर कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। ठीक है, अभी एक कॉलम बना लेंगे हम, कुछ इथर्स के एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं एंड देन वी राइट इट्स कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। तो अभी सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, इथर। इथर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर ओ आर, आर हो गया। कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? कॉमन नेम कितने तरीके के कॉमन नेम हैं? दो। फर्स्ट सिंपल वाले का डायल्किल इथर और मिक्स वाले का अल्किल अल्किल इथर। उसके बाद ये हो गए कॉमन नेम। अब कौन से लिखेंगे? IUPAC। हाउ टू राइट IUPAC नेम? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूट लिख दू, पॉज, समझ जाएंगे अभी। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, नेम ऑफ पैरेंट अल्केन। एंड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को कौन रहने वाला है? अल्कोक्सी। अल्कोक्सी भी सब्स्टिट्यूएंट रहने वाला है और दूसरा भी सब्स्टिट्यूएंट रहने वाला है, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स रहने वाले हैं। हम कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम उसको समझेंगे। छोटे छोटे एग्जांपल हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, बड़े बड़े देखेंगे। सबसे छोटा इससे लेते हैं, पहले तो लिखते हैं कॉमन नेम। हाउ टू राइट द कॉमन नेम, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि पहले तो देखना सिंपल है कि मिक्स है। कौन सा है? सिंपल है कि मिक्स है? मिक्स है। ये इथिल है और ये मिथिल, बराबर मिक्स है ना? मिक्स है तो मिक्स का नाम कैसे लिखना है? अल्किल अल्किल।
इसका नाम है इथिल, इसका नाम है इथिल और इसका नाम है मिथिल। क्लियर है? इसका नाम है इथिल, इसका नाम है मिथिल। कौन आता पहले? इथिल। तो क्या नाम लिखू? इथिल मिथिल इथर, इथिल मिथिल इथर। हो गया? इसका नाम है इथिल, उसका नाम है मिथिल, तो पूरा नाम हो गया इथिल मिथिल इथर। हो गया? पहले कॉमन नेम लिख लेते सब। अपना कॉन्सेप्ट है सेकंड नंबर कार्बन वन मिथिल ग्रुप, तो आइसो। कितने कार्बन है? तीन। तो इट इज विच प्रोपिल? आइसो प्रोपिल। दिस इज आल्सो विच प्रोपिल? आइसो प्रोपिल। ये भी आइसो प्रोपिल, ये भी आइसो प्रोपिल, दोनों भी सेम है, तो डाय आइसो प्रोपिल, डाय आइसो प्रोपिल इथर। ये है आइसो प्रोपिल और ये है मिथिल। यम पहले आएगा कि पी पहले आएगा? मिथिल एंड प्रोपिल कौन पहले आएगा? एम। बराबर? तो नाम मिथिल आइसो प्रोपिल। मिथिल आइसो प्रोपिल इथर एंड प्रोपिल, एंड प्रोपिल दोनों सेम है, तो डाय एंड प्रोपिल इथर। डाय एंड प्रोपिल इथर इज इट? दीज आर देयर कॉमन नेम। नाउ वी राइट देयर आईयूपीएसी नेम। दोनों अल्किल ग्रुप पहले यहां से शुरू कर। दोनों अल्किल ग्रुप सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। जब दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट रहेंगे तो जो लंबा है बड़ा है उसको पप्पा और छोटे को बच्चा। बराबर? तो कौन कौन पैरेंट और कौन वो पैरेंट कौन रहेगा? इथिल, क्योंकि कितने कार्बन है? दो। तो ये हो गया। फिर इसमें नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? जो मिनिमम पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप देगा। फंक्शनल ग्रुप कौन है इधर? डिथॉक्सी। कौन सी पोजिशन पे आ रहा? वन आ रहा, तो वन पे कौन आ रहा? मिथॉक्सी। और पैरेंट का नाम? इथेन। दो कार्बन वाला अल्केन? इथेन। तो पूरा नाम वन मिथॉक्सी इथेन। समझ गए? पहले क्या लिखी है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? वन। नाम क्या है उसका? मिथॉक्सी। वन मिथॉक्सी। चेन में कितने कार्बन है? दो। दो कार्बन वाला अल्केन? इथेन। तो पूरा नाम हो गया वन मिथॉक्सी इथेन। क्या नाम हो गया? वन मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, लो जल्दी जल्दी। सो इट्स नेम इज द वन मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, वन मिथॉक्सी इथेन। चलो नेक्स्ट। So this is the one methoxy ethane. अब यहाँ पे जो है कहाँ से लिखू? इधर से लिखू? अब देखो दोनों भी सेम है, दोनों भी सेम। या आगे इधर से शुरू करते। देखो इधर ये दोनों भी सेम है तो इसको नंबरिंग करनी पड़ेगी। कहाँ से नंबरिंग करूँ? जहां से फंक्शनल ग्रुप लगाए। कहाँ से लगाए? इधर से। तो इसको वन टू थ्री। पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट वन। नेम प्रोपॉक्सी। कौन सा प्रोपॉक्सी? एन प्रोपॉक्सी या वन डैश प्रोपॉक्सी, इसको अलग से नाम करते। क्योंकि यहां पे ऑक्सीजन इसको भी लग सकता था और इसको भी लग सकता था, तो नंबरिंग किया वन डैश टू डैश थ्री डैश। तो कहां लगा? वन। वन ये मेन चेन हो गया वन। फिर ब्रैकेट में वन डैश प्रोपॉक्सी। क्या मीनिंग है? कि ये जो प्रोपॉक्सी में जो अल्किल थे उसमें के कौन से कार्बन को लगाए? फर्स्ट। यहां पे कौन से कार्बन को लगाए? सेकंड। तो इट इज वन वन डैश प्रोपॉक्सी प्रोपे और वन एन प्रोपॉक्सी, एन प्रोपॉक्सी प्रोपेन।
समझे, और में एन प्रोपॉक्सी था, इसका लिखो पेरेंट कौन है। अब इसको नंबरिंग कहां से करेंगे, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, चलो दूसरे वाले में देखो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होने की वजह से इसको वन, इसको टू और इसको थ्री। सेकंड पोजीशन पे क्यों लगा है, मिथॉक्सी। सेकंड पोजीशन पे कौन लगा है, मिथॉक्सी, अरे है ना। तो ये पैरेंट अल्किल हो गया, लेकिन ये जो छोटा अल्किल ग्रुप है कितने कार्बन का है, एक, एक कार्बन वाला मिथिल, उसको ऑक्सीजन लगा, नाम रखा मिथॉक्सी। कौन सी पोजीशन पे लगा है, सेकंड। तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है, टू। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथॉक्सी, क्लियर है। सो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज मिथॉक्सी। चेन में कितने कार्बन है, तीन, तो तीन कार्बन वाला अल्किल है प्रोपेन, टू मिथॉक्सी प्रोपेन। Why the name is the 2-methoxypropane? Do you understand? So that mein rakhenge, its name is the 2-methoxypropane. Ab idhar batao, dono bhi kaise hai? Same. Ab dono same hai to? One, two, three. Second position pe laga hai. Uska naam N-propoxy tha. Iska naam isopropoxy. Kaun si position pe hai? Two. Two. आइसो प्रोपॉक्सी, आइसो सेकंड नंबर कार्बन वाला मिथिल ग्रुप। हाँ तो दोनों भी लिखेंगे ना, दोनों भी लिखेंगे ना, ठीक है। टू आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन, और में क्या लिखेंगे, टू टू डैश प्रोपॉक्सी। अब इसको आइसो लिखने की जरूरत नहीं, टू डैश प्रोपॉक्सी प्रोपेन।